a heart speed to the city. I hear a lot of fun. More calm now. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे अच्छे होंगे। आज मैंने मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी जान का स्कूल बस के लिए। यहाँ पे स्कूल बस बहुत जल्दी आ जाते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 AM को आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्लीपी हो रहा था और वेट कर रहा था नींद। तो जैसे ही बस आया, मैं जिजान को स्कूल भेज के ना मैं भी वापस नींद सोने के लिए जाता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं। मुझे थोड़ी देर मतलब सोना अच्छा लगता है सुबह। तो मैं वो कैट वगैरह को देखा, कितना क्यूट क्यूट कैट है मेरे घर पे सा, तो उनको देख के मैं वापस ऊपर चले गए थे। और जाते ही जब मैं सो गई थी, सो के उठ के देखा बहुत लेट हो गया। उठते ही मैं लंच का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जिशान वापस स्कूल से आने वाला था तो उसको आते ही भूख लगता है। जैसे ही जिशान मैं खाना बनाने लगी थी, जिशान ऑलमोस्ट आ गया था। मुझे कॉल आया, जिशान को लेने के लिए आना पड़ा मुझे आज नीचे, क्योंकि कभी कभी मेरे जो है वो बंद हो जाता है तो अंदर से खोलना पड़ता है, तो मुझे उसको लेने के लिए आना पड़ता है नीचे। तो जैसे ही जिशान को स्कूल गए और मैं फिर से मैंने अपना खाना बनाने लग गई, क्योंकि आज हमने प्लान किया था कुछ, जैसे कि हम कहीं जाएंगे इवनिंग को, तो ऐसे ही हम कुछ प्लान था कि कहीं चल। तो मैंने बनाया था पुलाव और उसके साथ था चिकन करी। मुझे बहुत मन हो रहा था बहुत टाइम से चिकन करी, जो चिकन करी और पुलाव खाने के लिए, तो वो हमने मैंने जो है लंच वगैरह किया। फिर करने के बाद मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि हमें जाना था, मुझे बहुत मन हो रहा था कहीं लॉन्ग ड्राइव वगैरह में जाए, तो हमने सोचा चलो चलते हैं आज सी लाइन की तरफ। तो जैसे मैं नीचे आ रही थी जाने के लिए, यहाँ पर ये देखिए कैट बैठा हुआ है, ये बहुत आलसी ऐसे बैठता रहता है वो। फिर हम निकल के आ गए और इतना प्यारा सा वेदर हो रहा था ना, वेदर बहुत ही कतर में, क्योंकि ने कल भी मतलब जैसे आज का दिन ये नेक्स्ट डे है, पहला दिन भी बहुत बारिश हुआ था। बारिश होने के बाद ही जो अच्छा मौसम होने लगा ना, क्या ही बताओ, क्लाउडी हो ही रहा था वेदर, तो बहुत प्यारा सा वेदर हो गया। तो जैसे हम जा रहे थे सी लाइन की तरफ, तो मुझे लगा चलो आप लोगों को भी लेके चलती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं सी लाइन जा रही थी। सी लाइन है यहाँ पे, जो कतर में रहते हैं उनको पता होगा, लेकिन हम बीच में नहीं गए, हमने सोचा आज ना हम ये बात करेंगे जो कि है डेजर्ट राइड। मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, और मैंने तो नहीं बाइक चलाया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने राइड किया और मैं उसके उनके पीछे बैठी, और मुझे उसी में बैठ जो डर लग रहा था मैं क्या बताऊं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग बोल रहे थे यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत हो रहा है अभी, और जो कि हाई पॉइंट है वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे अभी ऐसे राइड करने के लिए डेजर्ट राइड। तो हम इन लोगों ने ऐसा बना के दिया है यहाँ पे, तो यहीं पर हमें चलाने के लिए कहा है। चलिए चलिए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करें। और ये देखिए मेरे डरा हुआ फेस, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। और यहाँ पे क्योंकि बहुत एक्सीडेंट होता है आजकल, मैंने सुना भी था पहले भी, अभी जो है ना यहाँ पे स्लिप्ड बहुत होता है, तो बहुत मुझे चलाने के लिए तो दम ही नहीं है, मैं पीछे बैठ के भी बहुत डर रही थी। तो सब ने बहुत एंजॉय किया, जिशान ने भी राइड किया, इन्होंने भी किया, तो सब ने बहुत एंजॉय किया। तो हमने सोचा चलो आज ना थोड़ा सा बीच की तरफ भी होके जाते हैं, बीच में तो जगह ही नहीं था क्योंकि था, तो हमने फिर चलो स्किप करते, ऑलमोस्ट लेट हो गया था, तो हम वापस चले आए। फिर हम डिनर करे, और डिनर क्योंकि हमने आया था ये जो कि हलीम है, हलीम के साथ था चिकन लॉलीपॉप और बिरयानी हमने खाया, तो हमने मस्त खा पी के फिर ना घर चले गए वापस। तो थैंक यू सो मच, ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था। कोई भी मेरे चैनल पर न्यू है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाफिज़।